राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने जेल में भी रहकर ये साबित कर दिया कि वो जहां भी रहे वहां की राजनीति उनसे प्रभावित होती है। चारा घोटाला मामले में लालू जेल की सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य कारणों से वे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। भले ही उनकी तबीयत खराब हो लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल रही है, लेकिन लालू ने फिर से ये साबित कर दिया कि वो आज भी किंग मेकर हैं। झारखंड चुनाव परिणाम की बात करें तो महागठबंधन को बनाने और इसे सही धारा की ओर मोड़ने के लिए लालू की जो तकनीक है वो काम कर गई और झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की वापसी और महागठबंधन की अप्रत्याशित जीत सबके सामने है। जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन ने बीजेपी की सरकार का तख्ता पलट दिया, इसमें रिम्स में इलाजरत लालू की विशेष भूमिका रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भले ही महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हेमंत सोरेन की भूमिका लालू ने चुनाव से पहले ही महागठबंधन की नींव के साथ ही तय कर दी थी और आज उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में लालू ने अहम किरदार निभा दिया। दरअसल झारखंड में महागठबंधन की एकजुटता से लेकर सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में लालू की बड़ी भूमिका है। जेल में रहकर भी हेमंत सोरेन से लेकर कांग्रेस और फिर वाम दलों को एक साथ रखकर अपने छोटे बेटे तेजस्वी का मान मनोवल कर लालू ने दिखा दिया कि वो आज भी राजनीति में जोड़ तोड़ के महारथी हैं। जेल में रहते हुए लालू ने सोशल मीडिया और अपने द्वारा जारी किए गए पत्र के जरिए लोगों के दिलों तक अपने सेंटीमेंट तक पहुंचने में कामयाब रहे। चारा घोटाला मामले में लालू को मिली जेल का मामला तो वैसे कोर्ट से जुड़ा है, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए राजद का ये कारगर तरीका साबित हुआ। जनता के बीच ये मैसेज देना कि बीमार लालू को जेल में तकलीफ हो रही है, ये मैसेज जनता का सेंटीमेंट पाने का जरिया रहा। राजद नेता ने बताया कि लालू प्रसाद यादव सचमुच में किंग मेकर हैं और किस तरीके से उन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज करवाई है। झारखंड में लालू ने गठबंधन की एकजुटता के लिए सबसे पहले खुद का बलिदान दिया और 14 सीटों में से 7 सीटों पर ही समझौता कर लिया, क्योंकि लालू जानते थे कि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा जनाधार है और उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए अपनी सीटें छोड़ दी। लालू की रणनीति और संयम यहां काम कर गया और परिणाम सबके सामने है। इसी तरह की जीत तेजस्वी ने बिहार में लोकसभा चुनाव के समय ठान ली थी, जिस वजह से उस चुनाव में तेजस्वी चूक गए। लालू की तरह तेजस्वी अभी मौसम का रुख भाप नहीं पा रहे। लालू की तरह तेजस्वी अपने सहयोगियों को एकजुट करने में नाकाम रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने किसी भी तरह से मान मनोवल करके झारखंड में एक कोशिश शुरू की थी और ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो लालू के जादू का कमाल एक बार फिर चला और महागठबंधन जीत गया। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।